हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल लर्न अनदर नेचुरल डिजास्टर, दिस इज वॉल्केनो। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट एन अर्थक्वेक, व्हाई इट इज हैपन एंड व्हाट हैपन्स व्हेन इट हैपन्स एंड व्हाट आर द रीजंस ऑफ एन अर्थक्वेक। ठीक है, सो टुडे वी विल लर्न अबाउट वॉल्केनो। Volcano refers of an opening in the earth's crust from which molten lava, rock fragments, ashes, dust and gases are ejected from below the earth's surface। ठीक है, तो अर्थ सर्फेस के नीचे ये सारे क्या चीज़ें होती है, लावा, रॉक फ्रेगमेंट्स, ऐशेज, डस्ट और गैसेस, ये सारी चीज़ें जो है वो अर्थ के इंटीरियर रीजन में होती है। जब वॉल्केनो ऊपर अर्थ के सर्फेस पे आता है तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो ये सारी चीज़ें लाइक लावा का मोशन, रॉक फ्रेगमेंट्स, एशेज, डस्ट और गैसेस, ये सारे जो है वो इजेक्ट होते हैं, बाहर आते हैं फ्रॉम दी अर्थ बिलो सरफेस। ठीक है, तो अर्थ की जो नीचे की सरफेस होती है वहाँ से ये सब बाहर आते हैं, ये सारी चीज़ें वॉल्केनो के साथ है। वॉल्केनिक इरप्शन अकर्स ड्यू टू द फोर मेन रीजंस। ठीक है, तो वॉल्केनिक इरप्शंस जो है वो दो तरह के, मतलब फोर मेन रीजंस की वजह से होता है। फर्स्ट है हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, मतलब अर्थ की इंटीरियर का टेम्परेचर अगर हाई हो जाता है तो वॉल्केनो इरप्ट होता है। सेकंड है क्रिएशन ऑफ मैग्मा। मैग्मा हमने बताया था आपको कि ये जो है वो मैग्मा क्या होता है, सेकेंड चैप्टर में मैंने आपको बताया था। लेट वी गो ऑन सेकेंड चैप्टर। ठीक है, तो मैग्मा क्या होते हैं, देखो इंटीरियर रीजन के जो मोल्टेन अर्थ के इंटीरियर रीजन में जो मोल्टेन रॉक्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, मैग्मा। ठीक है, तो वो मोल्टेन मैग्मास जो होते हैं, मोल्टेन रॉक्स, जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो क्या होता है, मैग्मा का क्रिएशन होता है। ठीक है, और वो मोल्टेन मैग्मास जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रिएट होने के बाद वो बाहर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो वॉल्केनो दो तरह से इरप्ट हो रहा है। ये दो पिक्चर आपको शो किए गए हैं, डोरमेंट वॉल्केनो एंड एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, तो इस तरह के वॉल्केनोज होते हैं, टाइप्स ऑफ वॉल्केनो में हम ये देखेंगे फिर से एक बार। थर्ड रीज़न है वॉल्केनो इरप्शन का, क्रिएशन ऑफ गैसेस एंड वेपर। ठीक है, उसमें मतलब जो अर्थ के इंटीरियर रीजन में दूसरे गैसेस जो है वो रिएक्शंस होते रहते हैं, तो गैसेस का क्रिएशन होता है और वेपर। ठीक है, तो उससे भी जो है वो वेपर ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है तो बाहर आएगी। ठीक है, अंदर तो रहेगी नहीं, सो इसीलिए वॉल्केनो का इरप्शन होता है। फोर्थ रीज़न है राइजिंग ऑफ मैग्मा टुवर्ड्स अर्थ, अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ की सरफेस जो होती है आउटर सरफेस, उसकी बात हो रही है, तो अर्थ की सरफेस की तरफ जो है वो मैग्मा का राइज होना। ठीक है, तो अर्थ की सरफेस की तरफ मैग्मा राइज करेंगे तो इस तरह से जो है वो वॉल्केनो इरप्ट होगा। ठीक है, नाउ द मैग्मा इज पुश्ड टू अपवर्ड बाय द गैसेस लाइंग अंडर द मैग्मा। ठीक है, तो मैग्मा कैसे पुश होता है ऊपर की तरफ, जो मैग्मा में गैसेस होती है ना, मोल्टेन रॉक्स में गैसेस तो होंगी। ठीक है, तो वो जो गैसेस होती हैं वो मैग्मा को ऊपर की तरफ पुश करती है। ठीक है, सेकेंडली द वाटर परकोलेटिंग थ्रू द क्रैक्स एंड ओपनिंग ऑफ वीक रॉक सरफेस टर्न्स इनटू वेपर। ठीक है, तो जो भी वाटर पकोट हो रहा है थ्रू द क्रैक्स एंड ओपनिंग ऑफ द वीक रॉक्स। ठीक है, तो वीक रॉक्स होते हैं जो मजबूत नहीं होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रॉक नहीं होते, कमज़ोर होते हैं, वो क्रैक हो जाते हैं। ठीक है, क्रैक्ड होते हैं, तो उन सारे रॉक में जो क्रैक होता है और उनकी वीक रॉक्स की जो ओपनिंग होती है, यानी कि उसमें कुछ खाली जगह रह जाती है, तो वहाँ पे ये जो वाटर परकोलेट होता है एंड इट दैट वाटर टर्न्स इनटू द वेपर, और फिर वो वेपर में टर्न हो जाता है। देखो ये वेपर फॉर्म में बाहर आ रहा है, इस तरह से बाहर आता है। दिस वेपर इज़ फुल ऑफ प्रेशर। ये वेपर जो है वो प्रेशर के साथ होती है, फुल प्रेशर के साथ होती है, इसमें और कोई मतलब चीज़ नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर होगा तो वो ऊपर की तरफ आएगा। ओइंग टू द लैक ऑफ स्पेस एंड ट्राइज टू कम आउट विथ ग्रेट फोर्स। अब वो इंटीरियर रीजन में उसको जो है वो स्पेस कम पड़ जाता है, क्योंकि उसका प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है उस पेपर का, तो वो प्रेशर के साथ जो है वो बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगी, क्योंकि अंदर जो है उसको जगह जितनी चाहिए थी वो उसने घेर लिया, बाहर की जगह वो
घेरना चाहती है, तो इट ट्राइज टू कम आउट विथ ग्रेट फोर्स, तो वो ग्रेट फोर्स के साथ जो है वो बाहर आने की कोशिश करेगी। दिस वेपर ऑल्सो कॉजेज मैग्मा टू राइज अपवर्ड, ठीक है, तो ये मैग्मा को ऊपर की तरफ ले आती है ये वेपर्स, ठीक है। जो अर्थ की इंटीरियर रीजन में जो मैग्माज होते हैं उनको ये वेपर क्या करती है, ऊपर की तरफ ले आती है। द गैसेस प्रेजेंट इन द मैग्मा रिच नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड इरप्ट विथ अ हाई प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ लावा एशेज गैसेज रॉक पीसेज ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज एट्सेट्रा। तो अब जो गैस प्रेजेंट होती है ना मैग्मा में वो भी क्या होंगी, अर्थ की सर्फेस पे आ जाएगी और हाई प्रेशर को इरप्ट, हाई प्रेशर के साथ इरप्ट होंगी और मतलब एज वोल्केनो के फॉर्म में। और वोल्केनो किसके फॉर्म में होता है, वोल्केनो जो है वो लावा के फॉर्म में होता है, एश गैसेज रॉक पीसेज ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस एंड दिस इज़ नोन एज वोल्केनो, ठीक है। तो यही मैंने बोला था कि ये जो सारी चीज़ें जो मिलके है वो वोल्केनो बनाती है। ऑल दिस वोल्केनिक रेसिड्यूल्स कम ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड फॉर्म अ माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, देखो इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो मतलब ये जो है वोल्केनो क्या करते हैं, वोल्केनिक रेसिड्यूल्स, यानी कि वोल्केनिक रेसिड्यूल्स कौन से कौन है बेटा, लावा ऐश गैसेस और रॉक पीसेस जो कि वेरियस शेप और साइज में बाहर आ रहे हैं वोल्केनो के फॉर्म में, तो ये वोल्केनिक रेसिड्यूल कहे जाते हैं। और ये जो है वो अर्थ की सरफेस पे बाहर आते हैं माउंटेन के फॉर्म में, माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये माउंटेन जैसे दिख रहा है ना आपको, ये एक्चुअली माउंटेन नहीं है बट ये ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। नाउ इफ द अमाउंट ऑफ गैसेस एंड वेपर इज मोर एंड द वेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज नैरो, ठीक है। तो अर्थ की सरफेस का जो वेंट है और जो गैसेस और वेपर्स जो है वो उनका अमाउंट जो है वो अर्थ की सरफेस में बहुत ही कम है, नैरो है, देन द इरप्शन इज़ डेंजरस, ठीक है। तो इरप्शन जो है वो काफ़ी डेंजरस होगा। बट इफ़ द अमाउंट ऑफ गैसेस इज़ लेस एंड वेंट इज़ ब्रॉड एंड लॉन्ग, ठीक है, वेंट जो है वो नैरो नहीं होगा, ब्रॉड होगा पर लंबा होगा, ठीक है। यानी कि जैसे ये मान लो कि कुछ इस तरह का, जैसे कि नैरो है बट शार्प है, ठीक है, तो जो है वो वोल्केनो ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। बट इस तरह के वेंट्स होते हैं, ठीक है, इस तरह के वेंट्स होते हैं जो इसका लेंथ देखो कम है बट इसकी ब्रॉड काफ़ी फैला हुआ होता है। तो ब्रॉड होगा तो वो इधर उधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं आएगा, बट नैरो है, ठीक है, लेकिन नैरो है और शार्प है तो क्या होगा, वोल्केनो डेंजरस हो सकता है। बट अमाउंट ऑफ गैसेज इज लेस, गैस का अमाउंट लेस हो और वेंट जो है वो ब्रॉड और लॉन्ग हो, देन द मोल्टेन लावा कम्स आउट स्लोली, तो मोल्टेन लावा जो है वो स्लोली स्लोली बाहर आएंगे, ठीक है, जल्दी से बाहर नहीं आएंगे, एंड स्प्रेड्स इट्सेल्फ ऑन द अर्थ सरफेस, और वो जो है वो ऊपर जो है वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होंगे, वो अर्थ की सरफेस पे जो है वो स्प्रेड हो जाएंगे, धीरे धीरे फैल जाएंगे, बहुत बुरी तरह से ऊपर जो है वो उछलेंगे नहीं या फिर ऊपर ग्रेटर प्रेशर और फोर्स के साथ बाहर नहीं आएंगे, वो धीरे धीरे जो है वो बाहर आएंगे। नाउ देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, यहाँ पे वोल्केनो की थ्री टाइप्स हैं, फर्स्ट एक्टिव वोल्केनो, सेकंड डॉर्मेंट वोल्केनो, थर्ड एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ठीक है। तो तीन तरह के वोल्केनो हैं। सो वोल्केनोस आर फाउंड एट वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे वोल्केनोस हमें देखने को मिलते हैं। देर इज़ ओनली वन एक्टिव वोल्केनो इन द इंडिया, इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो एंड दैट इज़ इन द आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार का जो आइलैंड है वहाँ पे ही जो है वो एक्टिव वोल्केनो आपको देखने को मिलता है। वोल्केनिक इरप्शन एट एनी प्लेस और रीजन लीड्स टू मैसिव डिस्ट्रक्शन इन द लोकल एरिया, ठीक है। तो लोकल एरिया यानी कि जो हम जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा फेमस नहीं है, लोकल एरिया यानी विलेज काइंड ऑफ एरिया और छोटा सा स्मॉल टाउन या सिटी है, ठीक है, तो वो जो लोकल एरिया होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा मैसिव अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिस्ट्रक्शन होता है जहाँ पे भी वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है वहाँ पे। वोल्केनिक हैव सर्टेन बेनिफिट्स टू, लेकिन वोल्केनोज के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। व्हाट आर दैट बेनिफिट्स, लेट स्टडी दोज बेनिफिट्स। द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इंक्रीजेज ड्यू टू लावा, ठीक है, तो लैंड का फर्टिलिटी इंक्रीज होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन एग्रीकल्चरल फील्ड,
एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए बेनिफिशियल हो गया ना, तो एक बेनिफिट यहाँ से मिल गया कि जो लावा बाहर आते हैं अर्थ में से, दे वर्क एज अ फर्टिलाइजर, वो फर्टिलाइजर का काम करते हैं लैंड के लिए, तो लैंड की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज़ वेरी गुड ड्यू टू द फर्टाइल लैंड इन जावा एंड सुमात्रा। ठीक है, जावा और सुमात्रा जैसी जगहों पे जो है वो जो लैंड होती है वहाँ की लैंड फर्टाइल हो जाती है ड्यू टू द वॉल्केनिक इरप्शन एज इट इज़ मेड ऑफ लावा। ठीक है, तो जावा और सुमात्रा जो है वो लावा से बने होते हैं। द पोटेशियम रिच सॉइल फ्रॉम द वॉल्केनिक रेसिडुअल्स हेल्प्स द फार्मर्स टू ऑब्टेन अबंडेंट क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, और पोटेशियम रिच सॉइल, ये जो है वो पोटेशियम से बना हुआ सॉइल होता है। आपको पता है कि सल्फर और पोटेशियम जो है वो फर्टिलाइजर का काम करते हैं लैंड के लिए। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी जो है वो पोटेशियम रिच सॉइल, पोटेशियम होता है, तो जिससे पोटेशियम रिच सॉइल बन जाता है। और वॉल्केनिक रेसिडुअल्स हेल्प्स द फार्मर टू ऑब्टेन अबंडेंट क्रॉप प्रोडक्शन, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप का प्रोडक्शन होगा। सो फार्मर फ्रेंडली हुआ वॉल्केनो, द हॉट वाटर स्प्रिंग्स इन द एरियाज ऑफ वॉल्केनो टू हैव जर्म किलिंग प्रॉपर्टी एंड दैट क्योर स्किन डिसीज। ठीक है, हाँ, ये एक हम मतलब डिसएडवांटेज है कि इससे स्किन डिसीज हो जाती है, बट ये जर्म्स वगैरह के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सही रहता है कि जर्म्स जो है वो किल हो जाते हैं, क्योंकि इस वॉल्केनिक इरप्शन में हॉट वाटर स्प्रिंग्स आते हैं बाहर, तो वो क्या करते हैं जर्म को किल कर देते हैं। एंड बट दे हैव सम डिसएडवांटेज दैट दे क्रिएट्स सम स्किन डिसीज, क्योर्स दी सम स्किन डिसीज एट अ लोअर डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। सर्टेन मिनरल्स लाइक मर्क्यूरी, टंगस्टन, टिन प्लेटिंग, जिंक, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा कैन बी ऑप्टेन ईजिली ड्यू टू वॉल्केनो। तो वॉल्केनो की वजह से इस तरह की जो है मेटल्स हमें मिल सकती हैं, लाइक मर्क्यूरी, टंगस्टन, टिन प्लेटिंग एंड जिंक एल्यूमिनियम। इस तरह की मेटल्स हमें कहाँ से मिलती है और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? वॉल्केनिक इरप्शन से मिलते हैं। द लावा दैट कूल्स इनसाइड द वेंट ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनो टर्न्स इट इनटू डायमंड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो जो लावा कूल डाउन हो जाते हैं इनसाइड इनसाइड द वेंट, यानी कि जो वेंट बनाया मैंने आपको बताया, ये इस तरह का वेंट होता है। ठीक है, तो वेंट के ऊपर की साइड नहीं, इनसाइड, इसके अंदर की साइड जो भी मतलब वॉल्केनो सॉरी लावा जो होता है वो कूल डाउन हो जाता है, मीन्स ठंडा हो जाता है। अब उसका टेम्परेचर कम हो गया, प्रेशर भी कम हो गया, तो वो क्या करेगा, डायमंड के फॉर्म में टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डायमंड्स जो है वो बनते हैं। द स्मॉल रॉक्स थ्रोन आउट ड्यूरिंग वॉल्केनो इरप्शन नोन एज लेपिली। ठीक है, तो लेपिली किसको बोला जाता है, स्मॉल रॉक्स को बोला जाता है, दैट दे आर थ्रोन ड्यूरिंग द वॉल्केनो। देखो, वॉल्केनो में जो है वो गैस, वेपर, वाटर सब कुछ आता है बाहर, तो लावा, पर उसमें जो है वो स्मॉल रॉक्स भी आते हैं, छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं वो भी आते हैं, तो उनको लेपिली बोला जाता है। ठीक है, विच हैव बीन प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल एज दे कैन बी मॉडल्ड ईजीली। ठीक है, और इनको काफ़ी यूजफुल कहा गया है क्योंकि ये ईजिली मॉडल्ड हो जाते हैं। ठीक है, कहीं पर भी ढल जाते हैं, तो इसीलिए ये काफ़ी यूजफुल लेपिलीज हैं जो कि वॉल्केनिक इरप्शन में थ्रो किए जाते हैं एज अ स्मॉल रॉक्स। नाउ सुनामी को जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ रिवाइज दिस वॉल्केनो इरप्शन। ओके, थैंक यू, बाय।